जोहार साथियों, मेरा नाम है हसनैन रजा। जे पहले जो हमारा दो क्लास हो चुका है, उस दो क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग जानते, सॉरी दो क्लास नहीं तीन क्लास हो चुका है, तीन क्लास में क्या क्या पढ़े थे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि झारखंड के खनिज को जो है चार भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग कौन सा हमारा, ये बताइए, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला धात्विक खनिज, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, आधात्विक खनिज। तीसरा हमारा क्या था, ईंधन खनिज। और एक चौथा ईंधन खनिज के ही अंदर आता है, लेकिन उसे हम अलग पढ़ाते हैं। अलग पढ़ाने का रीजन है ताकि जो आपको आसानी से याद हो जाए, जिसे आण्विक खनिज कहा जाता है, ठीक है। जिससे विस्फोटक पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, आण्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि यूरेनियम। तो ये आपका जो हम लोग चार भागों में बांटे थे। धात्विक खनिज में हमने क्या क्या पढ़ा था, लोहा के बारे में पढ़ा था, मैग्नीज क्रोमाइट, ठीक है, मैग्नीज पढ़ लिए थे, क्रोमाइट पढ़ लिए थे, तांबा पढ़े थे, जस्ता पढ़े थे, सोना पढ़े थे, चांदी पढ़े थे, टीन पढ़े थे, टंगस्टन पढ़े थे, ठीक है, ये सब बॉक्साइट पढ़े थे। ये सब आपका किस में था, धात्विक खनिज के अंदर था। आधात्विक खनिज में मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारा अभ्रक था, ठीक है। उसके अलावा चूना पत्थर पढ़े थे, ग्रेफाइट पढ़े थे, ग्रेनाइट के बारे में पढ़े थे, एस्बेस्टस के बारे में पढ़े थे, डोलोमाइट के बारे में पढ़े थे, बेंटोनाइट के बारे में पढ़े थे। ये सब जो हम लोग सारा कुछ पढ़ लिए, यानी कि हमारा धात्विक खनिज कंप्लीट हो चुका है और आधात्विक खनिज भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्ट देखे थे, जैसे कि झारखंड में जो है खनिज 40% पाया जाता है। जितना भी आपका भारत में खनिज पाया जाता है उसका 40% खनिज कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग कह सकते हैं कि उत्पादन यहाँ पर मात्र 4.5% होता है, उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो पाता है। और रीजन क्या है, देखिए उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता भी है, लेकिन इसके अलावा झारखंड में खनिज चोरी बहुत होता है, ठीक है, चोरी करके जो है साइड से बेचा जाता है। आप देखते हो कोयला वगैरह भी बहुत चोरी होता है, इसके अलावा लोहा तांबा वगैरह भी खदानों से ही चोरी हो जाता है, अभ्रक भी बहुत चोरी होता है खदानों से, ठीक है, जिस कारण से यहाँ उत्पादन हम लोग का बहुत कम है, लेकिन भंडारण जो हमारे पास बहुत है, ठीक है। ये सब सारा कुछ देख लिए तो रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा रत्न गर्भा के नाम से भी जाना जाता है, संपन्न राज्य है झारखंड जो है, खनिज की दृष्टि से संपन्न राज्य है। और सिर्फ संपन्न राज्य ही नहीं है, भारत में तो खनिज में इसका नाम है ही, इसके साथ साथ जो है पूरे विश्व भर में जो है झारखंड का नाम है खनिज की दृष्टि से, ठीक है। कुदरत ने जो है बहुत बड़ा करिश्मा कह सकते हैं कि जो झारखंड के लोगों के लिए दिया है, लेकिन अफसोस हम लोग कह सकते हैं इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, यहाँ पे बाहरियों का बहुत अधिक राज है। खैर उस समय हम लोग नहीं जाते हैं। तो ये सब सारा कुछ जो हम लोग पढ़े थे, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे ईंधन खनिज के बारे में पढ़ेंगे और आण्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। ईंधन खनिज में क्या पढ़ना होता है हम लोग को, कोयला और मीथेन गैस के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। वहीं आण्विक खनिज का बात किया जाए तो आण्विक खनिज में यूरेनियम हो गया, ठीक है, उसके बाद इल्मेनाइट हो गया, ये सब जो आपका आण्विक खनिज के अंतर्गत आता है। ये दोनों हम लोग तीन चार जो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा कौन सा है, यूरेनियम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, यूरेनियम जो है एक आण्विक खनिज है, आण्विक खनिज इसका उपयोग क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप परमाणु बम का नाम सुने होंगे, ठीक है। भारत जो है क्या है, परमाणु संपन्न देश है। भारत के पास पहले परमाणु नहीं था, लेकिन 1967-68 के आसपास जो है जब यहाँ पर आण्विक ये यूरेनियम का खोज हुआ, उसके बाद जो है भारत ने परमाणु बम बनाना शुरुआत किया। और भारत जो है 1998 ईस्वी में, आपको पता होगा कि राजस्थान के पोखरान में जो है परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम के समय, इससे पहले इंदिरा गांधी के समय भी एक बार किया गया था, ठीक है। तो ये जो है परमाणु प्रशिक्षण किया गया था, और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का पदार्थ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो पहले जो है यूरेनियम पदार्थ आपका भारत में नहीं पाया जाता था, तो कहाँ से मंगाना पड़ता था, चाइना वगैरह से मंगाना पड़ता था, ठीक है। तो चाइना इतना भारी मात्रा में यूरेनियम कभी नहीं देता, क्योंकि उसको मालूम चल जाता कि भारत जो है परमाणु बम बना रहा है। और उस समय आपको मालूम था कि किसी भी देश को जो है परमाणु बम बनाने के लिए बैंड लगा हुआ था, प्रतिबंध लगा हुआ था, ठीक है। तो छिप कर परमाणु बनाना था, जिस कारण से भारत में ही यूरेनियम का खोज हो गया
परमाणु भी बम बन गया, और उसके बाद जो है प्रशिक्षण भी इसका हो गया था। तो परमाणु बम बनाने के लिए जो है यूरेनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि परमाणु बम बनाने के लिए कौन सा पदार्थ आपका ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा झारखंड से रिलेटेड कि यूरेनियम के प्रमुख खान कौन कौन से हैं, ये आप बता दीजिए, या यूरेनियम जो है झारखंड में कहाँ पाया जाता है। तो यूरेनियम आप याद रखिएगा ढालभूम के क्षेत्र में झारखंड में पाया जाता है। ढालभूम आपको पता होगा झारखंड का जो सबसे कोना वाला क्षेत्र है, इस पूरा बोर्ड को ही हम लोग झारखंड समझते हैं, झारखंड तो ऐसा ही है लगभग लगभग, ठीक है। तो यहाँ जो पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम, उसी के कोना वाला क्षेत्र में है ढालभूम, ठीक है। ढालभूम के क्षेत्र में जो आपका यूरेनियम पाया जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप याद रख सकते हैं कि एक टन जब यूरेनियम, कच्चा यूरेनियम निकाला जाता है, मट्टी के रूप में होता है, ठीक है। एक टन में जब कच्चा यूरेनियम निकाला जाता है, उसके बाद जो है इसमें मात्र 250 ग्राम से लेकर 1 kg तक ही यूरेनियम बनता है। यानी कि एक टन माल निकालने के बाद जो बहुत थोड़ा मात्रा में जो है यूरेनियम प्राप्त होता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख खान का बात किया जाए तो आप जादू घोड़ा का नाम सुने होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नरवा पहाड़, बागजत हो गया, तुरामडी हो गया, ये सब आपका क्या है, यूरेनियम के प्रमुख खान हैं, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यूरेनियम में हम लोग को सबसे पहले जानना है ये क्या है, एक आण्विक खनिज है। विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत जब परमाणु बनाया था उस समय यहां से यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में ले जाया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाता है कि एक टन अगर यूरेनियम निकाला जाता है, यूरेनियम का कच्चा अयस्क निकाला जाता है।